गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? और देखिए, सुबह सुबह ही ना कितना अच्छा मौसम होता है, कितना शांत जैसा, ताज़ी ताज़ी हवा, वाह ठंडी ठंडी हवा, तो बहुत मज़ा आता है दोस्तों सुबह सुबह उठने का और खेतों में जाने का। तो अभी मैं ना खेत में जा रहा हूँ और कितनी अच्छी अच्छी आवाज़ें देखो पक्षियों की जो है वो सुनने को मिल रही है। देखो मैं चुप होता हूँ थोड़ी देर, तभी आप सुन पाओगे, नहीं तो मैं तो बड़बड़ कर रहा हूँ तो आप लोग कैसे सुन पाओगे, है ना? मैं चल भी रहा हूँ, ऐसा मत सोचना, कैमरा भी हिल रहा होगा तो भाई थोड़ा सा जो है इग्नोर करना। ये देखो, सुनिए सुनिए, है ना, पीहू की आवाज़। और अभी बैक कैमरे से भी दिखाता हूँ मैं कितना अच्छा जैसा मौसम है और यहाँ से कैसा जैसा देखने को मिल रहा है। तो रुकिए, देखिए, तो ये देखिए, यहाँ से जो है वो देखने को ऐसा जैसा है नज़ारा। और मैं आया हूँ यहाँ पे अपने खेत में, तो ये देखिए जी, सुबह सुबह ना सच में कितना ठंडा ठंडा सा मौसम होता है और सुहावना जैसा मौसम होता है, बहुत अच्छा लगता है। और ये है रास्ता जी यहाँ को आने का, और यहाँ पे हमारा गांव, काऊ शेड, सब कुछ है यहाँ पे, और यहाँ पे है खेत। तो चलिए फिर, तो ये है यहाँ पे बॉडी, ये देखिए, ये यहाँ से हमने पाइप लगा रखी थी। और ये देखिए, तो अभी मैं चलता हूँ खेत, देखता हूँ कितनी जैसे सिंचाई हुई और फिर कितना बच गया। अभी करते हैं अभी इस सेटिस को। तो ये देखिए, यहाँ पे जो है वो लहसुन की जो है सिंचाई की जा रही है, और लहसुन जो है, धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है ना इस टाइम, तो जो है थोड़ा दिक्कत हो जाती है। और यहाँ पे मैं जो है वो पाइप छोड़ के गया था, तो यहाँ पे काफ़ी भीग भी गया है और पानी हो गया है बंद। देखिए, तो पानी फिर दोबारा से लगा लेते हैं। तो ये देखिए, आज कल जो है वो लहसुन को पानी देना बहुत ज़रूरी है। लहसुन और प्याज को जितना पानी दिया जाएगा उतना ही अच्छा है और उतनी ही ग्रोथिंग होगी हमारे लहसुन और प्याज की। तो इसलिए जो है वो हर दूसरे या तीसरे दिन जो है वो कंटिन्यू पानी देते रहें, ताकि हमारा लहसुन प्याज जो है वो ग्रोथ पे आए फटाफट से। क्योंकि कई बार होता है ना कि पानी नहीं दे पाते हैं तो लहसुन प्याज जो है वो ग्रोथ नहीं करता है। इसलिए जो है वो इस महीने, ये अप्रैल है ना, तो अप्रैल महीने जो है वो पूरा पानी चाहिए होता है इसे, भरपूर मात्रा में पानी, क्योंकि फसल जो है तभी फैलेगी नीचे जब इसमें थोड़ी सी सीलन रहेगी ज़मीन में। और देखिए, मैं यहाँ पर पानी देने आया हूँ, दिखाया था ना मैंने आपको, तो भाई ऊपर ना पाइप थी मैंने लगाई हुई, फिर वो पता नहीं किसने निकाल दी रात को। होता है ना गांव में, कईयों को होती है दिक्कत ऐसी, कीड़ा होता है ना कईयों के अंदर, तो फिर दोबारा से लगाई मैंने पाइप और फिर दोबारा से जोड़ा। तो ये देखिए, इस बारी लग रहा है कि लहसुन, चलो कुछ नहीं है, बेचने का नहीं है हमारे को, पर हमारे गुजारे लायक हो जाएगा ऐसा लग रहा है। और जैसे मुनिया मानिया आती है, समझते हैं मुनिया, मुनिया मीन्स होता है लड़कियां, जैसे हमारी सिस्टरें हो गई, फूआ गई, या फिर हमारे कोई अच्छे जैसे रिश्तेदार आ गए, उनको जो है देने के लिए बहुत जाए, उनको भी देते हैं हम फ्री फ्री में, गांव में सभी ऐसा ही करते हैं, उनको भी देते हैं और खुद के लिए भी रख लेते हैं, और फिर भी बच जाए तब बेचते हैं। तो ऐसा होता है, क्योंकि जो मुनिया होती हैं ना, यानी कि मतलब सिस्टरें या अपनी ही बेटियाँ, तो उनको भी हम तब देते हैं, क्योंकि ऐसा होता है ना कि होता है कि मायके से क्या लेके जाएं, तो उनको भी देते हैं हम। और
नई चीज़ भी हो जाती है कि उनको भी ये हो जाता है कि मायके से हम ये वाली फसल लेके आए, उनके यहाँ ऐसी फसल हुई है। तो पिछली बार हमने जो दूसरा घर है हमारा, वहाँ पे बड़ी सिस्टर आए थे ना, तो उन्होंने हमारे साथ हेल्प भी करवाई थी और उनको भी हमने लहसुन दिया था। तो ऐसा नहीं है कि जो हेल्प करवाए उन्हीं को देते हैं, जो भी जब भी आएगा उनका हिस्सा जो है वो अलग से ही रख दिया जाता है। तो सभी गांव के लोग ऐसा ही करते हैं, मतलब अपने रिश्तेदारों को जो है वो अगर घर में फसल अच्छी हुई हो, कोई भी फसल, तो देते हैं। और जी अब तो अगले महीने तक तो जो इसकी पटाई भी हो जाएगी, निकल जाएगा अगले इस महीने, तो तब तक इसको जो है वो बस ऐसे ही पानी देते रहना कंटिन्यू। चलो ठीक है फिर, है ना। तो मैं अभी इसको सिंचाई कर लेता हूँ और फिर मिलते हैं फिर दोबारा से। बाय। तो ये देखिए, ऐसे पुराने टाइम में जो है ऐसे गोबर और मिट्टी को जो है वो मिलाया जाता था, ऐसे पाँव से ही इसको जो है वो मिलाया जाता था, और ऐसी जो है वो पहले दीवारें हुआ करती थी घर की भी और काउ शेड की भी। और ये देखिए, ये है पत्थर और मिट्टी का बना हुआ काउ शेड। तो यहाँ पे जहाँ पे ये मिट्टी निकली है वहाँ पे ये वाली मिट्टी जो है वो लगाएंगे। ये देखिए, ऐसे होते थे पहले पुराने काउ शेड और घर। और ये जो छत पे ना चादर लगी है, तो चादर नहीं हुआ करती थी पहले, जो है वो सबसे पहले घास हुआ करता था, उसके बाद खपरे आए, और फिर उसके बाद जो है स्लेट आए, स्लेट के बाद चादर आई। तो यहाँ पे अभी तो चादर, हमने चादर लगा दी है। ये हमारा काउ शेड है, ये नया वाला काउ शेड है, ये पुराना काउ शेड है। और यहाँ पे हमारे दीक्षित जी लगे हैं गोबर और मिट्टी को मिलाना, है ना। देखिए, पहले जो है वो पानी फेंका जाता था, मतलब पानी डाला जाता था दीवारों पे ताकि दीवारें गीली रहे और मिट्टी अच्छे से जो है वो चिपक जाए। तो ये देखिए, अब मिट्टी को जो है वो ऐसे लेते थे और साथ में पानी भी लेते थे ताकि पानी की सहायता से जो है वो बिल्कुल साफ़ जैसे हो जाए। ये देखिए, ये जैसे आजकल जो है वो रेता सीमेंट की छाप मारी जाती है, वैसे हाथ से जो है वो ये मिट्टी की छाप मारी जाती थी, और ऐसे ही हाथों से जो है बिल्कुल साफ़ की जाती थी, जैसे प्लास्टर होता है सेम वैसे ही। तो आजकल की लेडीजों में इतनी ज़्यादा कलाकारी नहीं है, पर चलो ठीक है, जो जिनके कच्चे हैं काउ शेड, तो वो जो है अभी भी ऐसे ही मिट्टी लगाते हैं, और बहुत अच्छी सफाई आती थी, जैसे गरमाला फेर के जो है वो दीवारों पे सफाई आती थी ना रेत सीमेंट वाली, तो वही आजकल भी जो है वो मिट्टी वाले से आती है। ये देखिए, आजकल जो है मिट्टी का काम चला है मतलब पीछे की ओर चली है, हमारे यहाँ सारी पीछे की तरह चली है। जैसे पहले भी जो है वो मिट्टी से ही घर लीपे जाते थे, वैसे ही जो है वो अब इसके ऊपर जो है वो फिर से मिट्टी होगी, एक इससे पहले गोबर होगा, फिर उसके बाद होगी मिट्टी। मिट्टी वो कलर कलर्ड मिट्टी होगी, या वो वाइट होगी या फिर येलो होगी। सुबह मैं खाने में क्या बना रही हूँ, तो आज बना रही हूँ फ्रेंच बीन और आलू की सब्जी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी फ्रेंच बीन ली थी, आलू मैंने यहाँ पे धो ली, यहाँ पे कट कर ली, यहाँ पे रख लिए हैं मैंने आलू और प्याज। तो मैं अभी इनका भी छिलका निकाल लूंगी और फिर मिलती हूँ आपसे। डाली है चूल्हे में और कढ़ाई रख ली, ये डाल दिया मैंने सरसों का तेल। ये डाल दिया मैंने धनिया, साथ में डाल दिया थोड़ा सा जीरा,
और ये डाल दिया प्याज। ये डाली मिर्ची, अरे डाल दी हल्दी, और साथ में डाल दिए नमक। तो अब हमारे टमाटर भी पक चुके हैं और हमारा तड़का भी भून गया है, तो अब मैं इसमें ऐड करूंगी आलू। तो आलू को मैंने तड़के के साथ मिक्स कर लिया, ये डाली मैंने राजमा, स्वाद के अनुसार मैंने इसमें नमक भी ऐड कर लिया। तो आप सोच रहे होंगे कि इसमें ज्यादा ही डाल दिया, लेकिन मेरे पास बहुत छोटी चम्मच है तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा नमक ज्यादा ही डाल दिया। तो यहाँ पे मिक्स करूंगी, और अब रख लेंगे मिक्स में ढक्कन, और बीच बीच में ऐसे ही हम चलाते रहेंगे। तो 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही हम चूल्हे पे पकने के लिए इसको छोड़ देंगे। अभी मैं पहुंच गई हूँ, घास लेके घर आ गई हूँ और कौशल के सारे काम खत्म कर लिए हैं। तो अब बन गई है हमारी सब्जी, तो ये देखिए ये बन गई हमारी आलू और फ्रेंच बीन की सब्जी। और आज ज्योति ने चपातियाँ बनाई थी, मैं तो सुबह जल्दी घास के लिए निकल गई थी। कितनी सारी बना दी है, और देखिए ये बनाई है ज्योति ने सारी चपातियाँ, और सब्जी भी आज उसी ने बनाई थी, मैं तो सिर्फ तड़का लगा के चली गई थी घास लाने के लिए, तो उसने ही सब्जी को पकाया है। और ये है हमारे पास थोड़ा सा दही, तो हम इसको से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसकी आपस में फांट के हम आजकल यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो गर्मियों में दही नहीं पसता है क्योंकि दही बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो आजकल गर्मियों का ही सीजन है, तो हमें या तो लस्सी लेनी चाहिए या फिर दही में पानी कुछ उसको फांट कर हमें लेना चाहिए। तो ये बन गई हमारी आलू और फ्रेंच बीन की सब्जी, साथ में हो गया दही, और ये बन गया साथ में राई। ये हमारी कचनार की राई बनाई थी हमने। तो अगर आपको हमारी ये सब्जी अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ नए लेके मिलेंगे, तब तक।